नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने पहुंचे दिग्विजय सिंह। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां रंजिशन पड़ोसी ने तीन लोगों पर कराया झूठा मुकदमा। अगली खबर भी शिवपुरी से है, जहां शादी करने की अफवाह फैलाने से नाराज महिला ने मुंह बोले मामा के साथ मिलकर की युवक की हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आज जिला मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में राजगढ़ लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम मशीनों के फुटेज कंट्रोल रूम में लगी एसईडी पर देखे व कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम की व्यवस्था अच्छी है, मैं इस व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। साथ ही कहा कि बस यही उम्मीद है कि यहाँ पर बिजली नहीं जानी चाहिए। वहीं जब उनसे नर्सिंग कॉलेजों पर हुई कार्यवाही के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री व चिकित्सा शिक्षा मंत्री इसमें लिप्त हैं, सिर्फ पैसे लेकर नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दे दी गई है, जिसमें कई अनियमितता देखी जा रही है। वहीं जब उनसे भाजपा के 400 पार के नारे के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केवल मशीन ही भाजपा को 400 पार पहुँचा सकती है, और कांग्रेस को लेकर कहा कि इस बार सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। वहीं कहा कि हमें भरोसा है कि ईवीएम मशीनों में स्थानीय प्रशासन कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता, जो गड़बड़ी होनी है ऊपर से होनी है। बहुत बड़ा घोटाला है और उसमें मुख्यमंत्री मंत्री सब शामिल हैं, और मैं तो इस मामले में प्रधानमंत्री जी को पत्र मैंने लिखा है, शायद आज रिलीज हो गया होगा। मैंने तो उनको बधाई इस बात की थी कि आपने सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो मध्य प्रदेश के अधिकारी डेपुटेशन पे थे सीबीआई के पास, उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक डिप्टी एसपी है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने तो मांग की है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम सीबीआई की बनाई जाए, पूरे नर्सिंग के केसेस की जांच करने के लिए। ऐसे ऐसे प्रकरण हैं कि दो कमरे दुकान है, वहाँ नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, ऐसे अनेक, और एक एक डॉक्टर फैकल्टी वो 10-10 जगह पढ़ा रहा है। और ये हालत है कि करीब 250 या 270 नर्सिंग कॉलेज की इजाज़त बिना कुछ देखे दे दी गई। पैसा दो और लाइसेंस लो नर्सिंग कॉलेज का। पूरे तरीके से मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री विश्वास सारंग ने भयंकर घोटाला इसमें किया है, और इसमें अधिकारी भी पूरे शामिल हैं। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नगर कांटाफोड़ के कृषक हरिओम तिवारी ने अपने खेत की मेड़ पर लगभग 10 फीट की दूरी पर वर्ष 2016 से 115 नग सागवान के पौधे लगाए थे। इस संबंध में जब किसान हरिओम तिवारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उनके दादाजी स्वर्गीय राधेश्याम तिवारी की प्रेरणा से ये पेड़ लगाए गए हैं। तिवारी ने बताया कि मेरे दादाजी सिंचाई विभाग में कार्यरत थे व शुरू से ही प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी रहे। उन्होंने परिवार को प्रेरणा दी कि हमें पौधे लगाने चाहिए, जिससे सभी को ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। उनकी इसी प्रेरणा से मैंने वर्ष 2016 में सागवान के 115 नग पौधे अपने खेत की मेड़ पर लगाए थे, साथ ही नीम के भी कुछ पेड़ लगाए थे। उन पेड़ों की मैंने गर्मी में 3 वर्ष तक देखभाल की। वर्तमान में उनमें से तकरीबन 90 पेड़ जीवित हैं। उन पेड़ों की ऊंचाई 10 से 15 फीट के लगभग है। हमारे दादाजी राधेश्याम जी तिवारी की ये प्रेरणा थी कि हम पौधे लगाएं खेत में, जिससे सभी को ऑक्सीजन मिले, पर्यावरण अच्छा सुंदर हो। इसलिए हमने उनकी प्रेरणा से खेत की मेड़ पर लगभग 115 सागवान के पौधे लगाए थे वर्ष 2016 में। उसी के साथ नीम के पौधे लगाए थे, कुछ दूसरे भी पौधे लगाए थे। उनमें से सागवान के लगभग 90 वृक्ष अभी तक तैयार हो चुके हैं, जिनके 10 से 15 फीट के लगभग हाइट में हो चुके हैं, और नीम के भी 2-3 पौधे तैयार हो चुके हैं। सभी को ऑक्सीजन मिले, पर्यावरण अच्छा रहे, इसके लिए दादाजी की प्रेरणा से हमारे द्वारा यह पौधारोपण कर वृक्ष तैयार किए गए। देवास से सीनियर संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट।
डिंडोरी में नदी के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, मौके पर मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बजाग थाना क्षेत्र के केरी टोला गांव की बताई जा रही है घटना। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर वार्ड क्रमांक 15 से रहने वाले उत्तम धाकड़ पुत्र दोजाराम धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से 4 माह पूर्व पड़ोसी का ट्रैक्टर, जिसे हमारे द्वारा मंदिर के लिए लकड़ी ले जाई जा रही थी कि गली से ट्रैक्टर का पहिया राजपाल यादव का चबूतरा टूट गया था। इसी रंजिश के कारण महिला ताराबाई व उसके पति राजपाल यादव व उसके परिवार के सदस्यों ने शक के आधार पर उसकी व उसके चाचा मानसिंह धाकड़ व उनके लड़के पवन धाकड़ के विरुद्ध कोतवाली थाने में झूठा प्रकरण कायम करवाया। झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने को लेकर करीब फतेहपुर क्षेत्र के 70 व्यक्ति आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहीं शिवपुरी SP ने सिटी कोतवाली TI को जांच करने के आदेश दिए हैं। क्या समस्या लेके आए थे? कौन से गांव के? फतेहपुर। कौन ने लगवा दी? राजपाल यादव। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिया तुम्हें पुलिस ने? जाँच कर दिया कि जांच करवाएंगे? क्या बोल रहे हैं? जांच का जी अपन ने लगाई है। 307 कैसे लगवा दी? कोई नहीं, मैं बात की तो परसों के दिन, रात में 10-11 बजे, हम तो सब घर पे थे, हमें पता ही नहीं। मैं तो SP साहब से मिल ली है। SP साहब से मिल के क्या बोला SP साहब? साहब ने जांच का जी TI साहब को कॉल कर जांच के लिए। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 10-10 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, बीते 26 मई को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि बड़ौदी मौजा में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। शव की पहचान वासुदेव के रूप में हुई। शव के सीने, पेट में धारदार हथियार के घाव थे एवं गर्दन कटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने अज्ञात आरोपी पर 10 हजार रुपये इनाम की घोषणा की। विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतक के पड़ोस में रहने वाली महिला पर शक जाहिर किया एवं घटना स्थल के रूट का पता किया तो पड़ोसी महिला की भी घटना स्थल पर होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने महिला और मामा को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त की गई। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना कोतवाली रोहित दुबे, दीपक पालिया, उपनिरीक्षक भूपेंद्र परमार, अजीत सिंह, भूपेंद्र यादव, शिवांशु यादव आदि की विशेष भूमिका रही। 26 तारीख को माधव नगर शिवपुरी निवासी ब्रजमोहन धाकड़ ने उनके भाई वासुदेव धाकड़ की 25-26 की दरमियानी रात किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर बड़ौदी मौजे के अंतर्गत नई मुरम रोड पर पेपरसमा अंडरब्रिज के पास लाश को डालने की रिपोर्ट की थी। उसके आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर पधारे थे। उनके द्वारा मौके का निरीक्षण कर हम लोगों को डायरेक्शन दिए गए थे। एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा तैयार किया गया। उस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में TI साहब कोतवाली और उनकी टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मर्डर को डिटेक्ट किया गया है। मर्डर में जो 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। हत्या में प्रयुक्त उनके द्वारा जो चाकू था उसको जब्त किया है। उन्होंने हत्या के समय जो कपड़े पहने हुए थे, जिस पर कि खून के छींटे आए थे, वो जब्त किए हैं। ये मामले को पूरा कैसे डिटेक्ट किया, इस बारे में मैं चाहूँगा कि TI साहब से बताएं। प्रकरण को पंजीबद्ध करने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं SDOP महोदय के नेतृत्व में हमारे थाने से जो टीमें बनाई गई थी, उसमें लगातार जो शहर के मुख्य चौराहे थे उनके CCTV कैमरों के लिए अलग टीम लगाई थी। चूँकि कहीं मुखबिर से भी और जो स्रोत रहते हैं पुलिस के, उनसे हमें ये बात संज्ञान में आई थी कि एक महिला इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। उस पर बहुत सूक्ष्मता से पूरा निरीक्षण किया गया और जब उसको पकड़ा गया तो उसके द्वारा अपने घटना करना स्वीकार किया गया एवं घटना में जो घटना करते वक्त जो मृतक का मोबाइल था वो भी उससे बरामद किया गया है एवं उसने अपने मुंह बोले मामा के साथ जो मृतक था उसकी बातों से तंग आके वो उसके द्वारा परेशान स्वयं को किया जाना बताया था, इसके कारण उसने उसकी हत्या करना स्वीकार किया अपने मुँह बोले। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।